शख्स से कहे कि यार ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये सेम टेरिटरी थी, ये वो ऐसा गया, सब कुछ सिलसिला अलग अलग हो गए, लेकिन बहरहाल दिल अब भी लोगों के एक साथ धड़कते हैं। जनाब आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनके बारे में मैंने हमेशा ख्वाब ही देखा था कि कभी मैं भी उसके सामने होंगी और मैं इंटरव्यू कर सकूँगी उनको। सो पाकिस्तान, लेट मी इंट्रोड्यूस स्टनिंगली ब्यूटिफुल गर्ल। वेन यू थिंक you have seen her, you know, every look of her, she just surprises you with an other beautiful, glamorous and more slimmer, Kareena Kapoor. Let's welcome her. Assalamu alaikum, Kareena. Thank you. Kya haal hai aapke? Bas, bilkul theek ho. Theek hai, khairiyat se. Aap pareshan ho gayi thoda, aapne kaha ye itna bolte hain. itna warm and like a warm welcome. I think obviously because of that I'm little nervous. But आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान में आपके कितने सारे फैंस मौजूद हैं? कुछ कुछ कभी किसी ने बताया है? कुछ अंदाजा हुआ है कि कितने ज़्यादा फैंस मौजूद हैं? नहीं, एक्चुअली सैफ की वहाँ थोड़ी फैमिली रहती है पाकिस्तान में, एंड तो कभी कभार सैफ को फोन करते हैं, बोलते रहते हैं कि आओ एंड डू कम एंड आ जाया करो एंड वट एवर, बट लेट्स सी, मे बी सम टाइम। अच्छा, और मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जो टीम है लाइक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की, हमारा जो ऑफिस है उसके हर मॉनिटर पर, हर लड़के के हर मॉनिटर पे सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर। ओह गॉड, एक टीम का मेंबर इस वक्त यहाँ मौजूद है जो थोड़ी देर बाद कह रहा था कि वो आएंगी तो मैं शायद जिंदा ही रहूं। ओह गॉड, दैट्स टू मच। क्या हालात है? यू आर हियर इन दुबई और कुर्बान की प्रमोशन के लिए। दुबई की सबसे अच्छी बात क्या है? आई थिंक दुबई में आई थिंक यहाँ खाना बहुत अच्छा है, हाँ, मगर पाकिस्तान से शायद उतना नहीं, बट वहाँ भी आजकल मुझे पाकिस्तान में क्या मिलेगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। पाकिस्तान में बहुत अच्छी भुजिया मिलेंगी आपको, जबरदस्त किस्म की तरकारी मिलेगी आपको।